हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कमलाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मटर पनीर की सब्ज़ी, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, हर कोई बना सकता है। कई लोगों को झंझट लगता है मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना, या फिर वो सोचते हैं हमें नहीं बनानी आएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस रेसिपी को देखने के बाद में आप बिल्कुल परफेक्ट मटर पनीर की सब्ज़ी बना पाओगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे मटर पनीर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, प्याज डाल देते हैं एक ग्राइंडर जार के अंदर, और इसी के साथ में टमाटर भी डाल देते हैं और हरी मिर्ची भी डालते हैं। मोटे मोटे पीस करके डाल सकते हो आप ग्राइंडर जार के अंदर, क्योंकि और इसी के साथ हम लहसुन भी, कुछ कलियाँ भी डाल देते हैं ताकि उनका भी पेस्ट बन जाए इनके साथ ही, क्योंकि हमें डालना तो है। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को हमने डाल दिया और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इधर मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर लिए हैं और पनीर लिया है, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनकी सब्ज़ी बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। मटर पनीर की बिल्कुल सिंपल तरीके से रेसिपी बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनने वाला है ये मटर पनीर। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ऑयल के गर्म होने के बाद में इसके अंदर डाल दिया है जीरा, और जीरा भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन का जो हमने पेस्ट बना के रखा है वो डाल देंगे, और ये देखिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी के साथ हम मसाले भी डाल देंगे इसके अंदर ताकि वो भी अच्छे से पक जाएं, और इस ग्रेवी को और मसालों को हमें लगभग 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अगर हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और मसालों, मटर पनीर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा मटर पनीर की सब्ज़ी का। तो इसी के साथ मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर नमक के टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, और एक छोटी चम्मच ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे कम ही, मीडियम ही रख रखा है, हाई नहीं रखेंगे, क्योंकि जो एक ग्रेवी है इसके छींटे लग जाते हैं तो इसका भी डर रहता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से, और मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना पानी हमें इसी टाइम डाल देना है, क्योंकि हम बाद में पानी नहीं डालेंगे मटर पनीर डालने के बाद में। तो ये देखिए, ग्रेवी हमारी अच्छे से पक जाने देंगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक हम इस ग्रेवी को पकाएंगे। तो ये देखिए, ग्रेवी में उबाल आने के बाद में हम इसके अंदर मटर डाल देंगे और मटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि मटर है उसको हमें पकाना होता है, वो पनीर के बजाय थोड़ा सा हार्ड होते हैं। पनीर हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, क्योंकि पनीर को हमें बिल्कुल पकाना नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है पनीर। तो पनीर डालने के बाद में, मटर डालने के बाद में मैंने इसको लगभग 2 मिनट तक पका लिया है। इसके बाद में हम पनीर डाल देंगे, और पनीर को बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको पकाना है। वैसे पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन क्या होता है पनीर के अंदर मसाला चला जाए, बस हमें इतना ही इसको पकाना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चटपटी मटर पनीर की सब्ज़ी बन रही है, आप देखोगे लास्ट में बहुत अच्छी बनेगी हमारी सब्ज़ी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया, और सिर्फ पनीर डालने के बाद में हम इसको सिर्फ 2 मिनट तक, वो भी मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे, ताकि पनीर के अंदर सभी मसाले अच्छे से चले जाएँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो पनीर है, वो मटर है, सभी चीज़ें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये मतलब कि हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है। लास्ट में मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, ये देखिए, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर, आप चाहो तो इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हो। और ये सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। मटर पनीर की सब्ज़ी सबको बहुत पसंद होती है, बच्चों को, बड़ों को। तो मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, और हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है इसकी ग्रेवी वगैरह। तो चलिए, मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल दिया है, हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है खाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।